नमस्कार, आप अभिनंदन स्वागत है आप सभी को। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा बुलेटिन। मैं अभिनंदन सिंह, आज मुझे फोन करके बिंदल पेपर मिल पर हूँ और यहाँ पर धरना चल रहा है। धरने का समय आप देख सकते हैं, रात हो चुकी है और मेरे साथ जुड़ गए हैं आई भारतीय किसान यूनियन के महात्मा टिकेत के अतुल जी, इनसे बात करते हैं। जी भैया, घर जाके किस तरह सो जाएं हम? हमारे क्षेत्र के किसान, आम जनता इतनी पीड़ित हो रखी है, अब उनका दर्द देख के हम तो सो नहीं सकते भैया। यहाँ पे क्षेत्र में आपको छोटे छोटे मुद्दे गिनवा देता हूँ, बड़े तो छोड़ो। जब यहाँ पे प्लांट लगते थे, गवर्नमेंट कहती थी कि भाई फैक्ट्री लगवा लो, लोकल में रोजगार मिलेगा, न तो यहाँ कोई लोकल का रोजगार। फैक्ट्री लगवा ली, अब हमारी दुर्गति इतनी हो गई कि हम पानी भी नहीं पी सकते अपने घर। केमिकल का पानी आ रहा है, खेत में पानी डाल सकते, टोटल केमिकल। वर्कर की अगर किसी तरह फैक्ट्री में मौत हो जाती है तो उसे 1-2 लाख में खत्म कर देते हैं, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसी 10 लाख की। बिंदल पेपर मिल है, न्यू बिंदल, जिसके सामने हम बैठे हैं, इसमें बहुत अच्छा खासा मोटा फंड मिलता है। उस फंड का ये 1% भी क्षेत्र में नहीं लगाते, 1% भी। आज तक इन्होंने कोई पेड़ नहीं लगाया, कोई पार्क नहीं बनाया, कोई झोड़ नहीं बनाया जिससे भाई गंदा पानी झोड़ में इकट्ठा हो सके। ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया, रखी उड़ानी शुरू कर दी। इसके पीछे जाके देखो इतना बुरा हाल इस क्षेत्र में है, बाहर से कचरा मंगा रहे हैं, सीएनजी प्लांट शुरू हो रहे हैं जंगल। ये क्यों नहीं हमारे जिले में, क्यों नहीं सीएनजी प्लांट शुरू? आपने इस बारे में पहले भी आंदोलन किए थे, धरने प्रदर्शन किए थे, लेकिन जो है सरकार आपकी बात मान नहीं रही या अनदेखा कर रही है, क्या करना चाहिए? हमने पहले धरने दिए थे, आंदोलन भी काफी किए हैं जी। अब हमने जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी ने जो डिसीजन लिया, अब जो आंदोलन होगा वो आर पार का, या तो किसान ये देश छोड़ेंगे, ये जिला छोड़ेंगे, या फिर ये फैक्ट्री वाले जिला छोड़ेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री चलनी है तो लोकल में 40-50% लोकल के आदमी को रोजगार देना पड़ेगा, प्रदूषण बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। इधर एक नाला है, जब 2 कदम आगे जाके इस बिंदल पेपर मिल ने उस नाले को सारा ही कब्जा लिया। कागजों में देखो जाके नाला कुछ और बता रहा, मौके पर तो कुछ है ही नहीं, टोटल केमिकल पानी निकल रहा। वही नाला किसानों के खेत में को होते हुए जा रहा, उसके आसपास जितने भी किसान लोगों की फसल है सब नष्ट। एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जो प्रदूषण फैल रहा है, जिले में टैरों से तेल निकलने वाले प्लांट लगाए, इन्हें कोई परमिशन नहीं होता, इन्होंने वे भी सबका महीना बंद रहा है, प्लांट चल रहे हैं। हमें ये बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। मेरे जिले में जानसठ बोपर रोड पे, दोनों रोड पे कम से कम मैं कहता नहीं 15-20% आदमी कैंसर से मर चुके, लोगों की आंखें खराब होगी, रखी गिर गई, उसका कोई नहीं था। इन्हें फंड मिलता है मेडिकल कैंप का, कोई मेडिकल कैंप नहीं। पता नहीं कहां कहां से ये ट्रक में भर भर कचरा आ रहा है, वो फूंक रहे हैं दिन भर, उससे इतना जहरीला धुआं निकल रहा है। एक तरफा सरकार कहती है पोलोथीन बंद करो। आज एसडीएम साहब आए थे, क्या बात हुई आपसे? एसडीएम साहब से मैंने कोई वार्ता करनी नहीं, एसडीएम साहब को तो मैं ज्ञापन देता देता 35 साल की उम्र हो गई, मुझे 10 साल हो गए राजनीति में, मैंने इतने ज्ञापन शायद किसी को ना दिए जितने मैंने मुझे अपने एसडीएम को दे दिए। मैंने एक बार ये डीएम साहब को वार्ता भी ज्ञापन दिया था, वार्ता हुई थी मेरी, 5 आदमी की टीम गई थी, उसमें उन्होंने कार्रवाई करी, डीएम साहब का बहुत बहुत एहसान, कार्रवाई करी, पर कार्रवाई सिर्फ एक दिन। मुख्य मांगे कौन कौन सी आपकी जो आपने ज्यादातर? मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। एक तो हमारी मुख्य है जिला हमारा बिल्कुल प्रदूषण मुक्त किया जाए, दूसरी मांग हमारी ये है जिले में जितने भी फैक्ट्री हैं इनके क्षेत्र में जो भी इनके लोकल बस्तियारियों ने रोजगार दिया है फैक्ट्री में काम करने वालों को, वर्कर को 10 लाख की पॉलिसी दी, बीमा, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसे किसी के उसके फैमिली को किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। फिर हमारी एक मांग है जो लोग इस प्रदूषण से बीमार हैं उनका फ्री इलाज, आंखों का कैंसर का जो भी है फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवाई, कैंप लगाए, गांव गांव लगाए, 15 दिन में, 1 महीने में 1 दिन एक गांव में कैंप लगना चाहिए पर मंथ। कविता तोमर, हाँ जी,
हाँ जी, हम भी यूनियन से जुड़े हुए हैं। नहीं जी, हम अपनी शर्तें पूरी करके तब यहाँ से जाएंगे। पर हम पचेंडा रोड पे रहते हैं, वहाँ पे भी मतलब सुबह के टाइम अगर हम उठते हैं तो वहाँ पे भी जाई वाई मतलब ये काले वाला खूब छत पे रहता है। सवाल है, यहाँ रसोई छोड़कर यहाँ बैठे हैं? हाँ तो रसोई छोड़कर हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। हाँ जी, मांगे पूरी नहीं होती कब तक? नहीं, हमारा धरना परमानेंट चलेगा यहाँ पे। मांगे कौन कौन सी है? मुख्य मांगे एक दो मांग हमारी यही मांगे है कि यहाँ पे जो पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको 10 लाख का तो मिलना चाहिए मुआवजा अगर दुर्घटना हो जाए, कोई भी बात ऐसी हो जाए। और दूसरी बात ये नौकरी मतलब लोकल के यहाँ बंदे को नौकरी नहीं दी जा रही, बाहर के को नौकरी दी जा रही, यहाँ के बेरोजगार फिर सड़कों पर। नहीं, सुविधा हमारी अभी हो जाएगी, 10-15 मिनट में हमारी सारी सुविधा होगी, जनरेटर भी है, सब काम सब कुछ हम कंप्लीट लेकर बैठे हैं आप, और भट्टी भी हमारी है, खाना पीना सब यही है। इतना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, इतना हम यहाँ से ना उठने के, ना हमारा धरना बंद होने का। ये देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा है भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकेट का धरना चल रहा है बिंदल पेपर मिल के गेट के सामने। इनकी मांग है कि हमारा शहर, हमारा क्षेत्र प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री से बहुत बड़े धुएं निकलते हैं जिनसे बहुत बड़ा प्रदूषण राखी निकलती है। सुबह रात में आदमी जो है काला उठता है क्योंकि राख इतनी पड़ती है। इनका मानना यही है कि हमारी जो मांगे हैं, कोई मजदूर अगर किसी का दुर्घटना होती है इसका बीमा करा जाए, 10 लाख का बीमा होना चाहिए, अगर उसके परिवार को कुछ मिल जाए, इसलिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।